कहते हैं कि गलती इंसान से ही होती है, लेकिन कोई जिम्मेदार ऐसी गलती कर बैठे कि किसी जिंदा इंसान का मृत्यु प्रमाण पत्र ही जारी कर दे, सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन यही हकीकत है। ऐसा हुआ है। जैसी नगर के बिछुआ गांव में रहने वाले कीरत अहरवार का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो जाता है और उसके बेटे लक्ष्मी अहरवार के नाम से मृत्यु सहायता राशि के लिए लोक सेवा केंद्र जैसी नगर में आवेदन भी दे दिया जाता है, जबकि कीरत और उसके परिवार को इसकी भनक भी नहीं लगती है, न ही उसके बेटे को, क्योंकि वह तो हरियाणा में रहता है। पूरा मामला जैसी नगर के बमोरी घाट पंचायत से सामने आया है, जहां इस आवेदन में जो खाता नंबर लगा है वह कीरत की पत्नी गीताबाई की जगह किसी कृष्णाबाई निवासी कंकर गुजरा का लगा हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनपद में कितने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जानकारी के मुताबिक अगर पूरे मामले की सही तरीके से जांच की जाए तो ऐसे कई मामले और भी सामने आ सकते हैं। मामले में कीरत अहरवार का कहना है कि मैं तो जिंदा हूँ, कब मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है यह नहीं जानता, इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी कर्मचारी है उस पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। इनकी पत्नी का भी यही कहना है। बिछुआ में रहने वाले साहब सिंह का कहना है कि कीरत मेरे यहाँ काम करता है, जब इस मामले की मुझे जानकारी लगी तो मैं कीरत को साथ लेकर जैसी नगर जनपद कार्यालय आया, जहाँ कीरत अहरवार के द्वारा खुद के जिंदा होने का मुख्य कार्यपालन अधिकारी चेतना पाटिल को आवेदन दिया। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी चेतना पाटिल से जानकारी चाही तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया और जनपद के किसी अधिकारी ने भी। उल्टे मुख्य कार्यपालन अधिकारी चेतना पाटिल ने पूरे मामले पर अपने जिंदा होने का आवेदन लेकर आए कीरत अहरवार को षड्यंत्र करने नोटिस थमा दिया। मामला फिलहाल कलेक्टर आलोक सिंह के संज्ञान में आया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में CEO को बोला गया है, अगर इसमें कोई भी दोषी होगा तो 2 दिन के अंदर कार्यवाही होगी। नहीं सर, हमें कोई मालूम नहीं है। ये मामला आया है, आपको कुछ कहीं से कोई जानकारी नहीं लगी? नहीं, कोई जानकारी नहीं लगी। जब ETFM अधिकारी गए ब्लॉक से, जब उनने बताई, जब हमें जानकारी भाई, तो आपने इसकी शिकायत की कहीं? अरे तो नहीं की, मनो सर यहाँ से हो जाते जी कि जब उसके लाने कोई दंड तो मिलो थे हम आओ। सही, हम तो गए थे तीर्थों है, सो हमें तो घरे मिल गए। अभी तो वो जिंदा है कि आप लोगों के? हाँ, मैं पहले तो मालूम नहीं था, जब अपने जनपद पंचायत से बाबू गए होंगे इनके घर पे कीरत के यहाँ, जो हम अपने यहाँ पे काम करते हैं, उनने बोला हुआ कि आपके नाम से तो राशि 20,000 रुपये स्वीकृत थे, कौन है वो मृत जो घोषित हो गए हैं? तो अब जी घबरा गए और जी हमारे पास आए, हमसे बोला इनने, फिर हमने जनपद में आके देखा तो वास्तव में इनके 20,000 रुपये स्वीकृत हैं और इनकी राशि भी फर्जी अकाउंट नंबर लगा है किसी कृष्णा भाई का, वो कंकर भैया की निवासी है। ये सब फर्जीवाड़ा हुआ इतना सब जी, कैसे आप क्या कहेंगे पूरे मामले में? अरे जी, तो महा भ्रष्टाचार है और इसको तो दंड मिलना चाहिए, इसमें कोई जो भी हो। आपके जैसी नगर संवाददाता द्वारा चैनल पे जानकारी दी गई थी, उसके द्वारा व्हाट्सएप पे मुझे ये सूचना भेजी गई थी। ये शिकायत मैंने जांच के लिए जिला पंचायत CEO को दे दी है और अगर ये सही पा जाती है तो इस पे 2 दिन के अंदर ही सख्त कार्रवाई की। सागर TV न्यूज़ के लिए जैसी नगर से बृजेंद्र रैकबार की रिपोर्ट।